हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो गाइस, अदीब हियर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमारा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है और हम जा रहे हैं रघुवीर घाट। ऑलरेडी लेट हो चुका है तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइज, अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो आपको हेड रेलवे स्टेशन दिखेगा, ये आपको बोर्ड दिखेगा। तो आप चाहे गोवा से आओ या फिर मुंबई साइड से आओ, रेलवे स्टेशन से अंदर टर्न लेना होगा। वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कहाँ पर लेना है। ये हमारा खेड़ का रेलवे स्टेशन, वहाँ से 100-200 मीटर ही दूर है। अगर तुम लोग मुंबई से आ रहे हो तो यहाँ पर वेरल फाटा है, उधर से लेफ्ट लेना है। और अगर गोवा से आ रहे हो तो वेरल फाटे से राइट लेना है, मतलब यहीं से राइट लेना है। तो ये हमारा रोड स्टार्ट हो गया रघुवीर घाट के लिए। तो अभी आप लोग रोड एंजॉय करो और फटाफट हम लोग को भी पहुंचना है, टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा। से आप लोग आओगे तो ये बोट देखना, ये लेफ्ट टर्न लेना भूलना नहीं, अगर स्ट्रेट जाओगे तो मिस करोगे। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, ये याद है।
आप लोग जैसे देख रहे होंगे हम लोग के पीछे में खाई दिख रही है, ये अब यहाँ पे बारिश का मौसम नहीं है इसके लिए ये सब क्लियर दिख रहा है। बारिश में अगर यहाँ पे आएंगे तो कुछ भी नहीं दिखता है, पूरा फॉग फॉग रहता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है कुछ। और मौसम अभी भी यहाँ पे ठंडा ही है, गर्मी के मौसम में भी, बारिश में तो यहाँ पे इतना ठंड होता है कि मतलब बॉडी ऐसा हिलती है ठंडी से। तो अभी और ये यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। ये यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो पूरी खाई है नीचे, अगर इंसान गया तो उसका आना मुश्किल है। पूरी नीचे खाई है पूरी। और ये बारिश में यहाँ पे इतने सारे वाटरफॉल आते हैं कि गिन गिन के इंसान थक जाएगा। तो हम लोग एक बार फिर से आएंगे बारिश में इधर, और बारिश के भी आप बारिश का भी यहाँ पे कैसा होता है आपको दिखाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ नोटिस किया क्या, देख क्लाउड का शेडो देख कैसा आया उधर। क्लाउड का शेडो। यहाँ पे चढ़ के हमारी हालत ख़राब हो गई है, थोड़ी भूख वूख लगी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन में, चाय नाश्ता करेंगे, फिर आपको मिलते हैं सेकंड पॉइंट पे। हेलो फ्रेंड्स, कांदा पोहा खा रहे हैं। तो होटल के पास से थोड़ी दूर में हमारा दूसरा पॉइंट है, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, और वहाँ पे हम अब जा रहे हैं। तो रघुवीर घाट के बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ। रघुवीर घाट एक सह्याद्री माउंटेन का ही पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, और यहाँ पर आप पीछे रास्ता देख सकते हो, ये जाता है महाबलेश्वर तक, लेकिन आप ड्राइव नहीं कर सकते वहाँ पर। और ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है, और आप फैमिली के साथ वगैरह आ सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम लोग ये जो सेकेंड पॉइंट पे आए थे, अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा व्यू एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एकदम खूबसूरत हरियाली हरियाली है यहाँ पे, फुल बारिश में और हरियाली होती है। बारिश में तो यहाँ पे इतना मस्त लगता है ना, ऐसा मन ही नहीं करता कि यहाँ से जाए। और अभी पसीने छूट रहे हैं हम लोग को। हाँ, बट अभी गर्मी हो रही है, सुबह आए तो मौसम ठंडा था, बट अब गर्मी हो रही है अच्छी। तो आप अगर यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो मानसून सीजन में ही आना है यहाँ पे। हाँ, मानसून इज द बेस्ट। ये आपको जो नीचे पूरा व्यू दिख रहा है वो मानसून में आप नहीं देख सकते, पूरा फॉग जमा होता है यहाँ पे। Your face.
तो अभी हम लोग जा रहे हैं लास्ट पॉइंट पे, अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट, और लास्ट पॉइंट वहाँ पे पीछे है, थोड़ा दूर है, एक 10 मिनट और जाएगा, तो आपको डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं लास्ट पॉइंट पे। और ये एक बार आप व्यू एंजॉय कर लो फिर से। प्लेन में से लोग बात कर रहे हो, आवाज नीचे आ रही है, देख सुन आया। और ऊपर से किधर से तो प्लेन जा रहा है, बट वो दिख नहीं रहा है इतनी धूप में, आके दर्द दे रही है आसमान में दिख। तो यहाँ पे एक मैप भी है, वो भी दिखाते हम लोग, उसमें भी डिटेल दी हुई है बट मराठी में है। रघुवीर घाटाची माहिती। रघुवीर घाटाचं काम प्रथम 1990-2011 सुरू करण्यात आलं। प्रत्यक्षात घाट पूर्ण होण्यासाठी 10 वर्ष लागली। 10 साल लागले। घाटाचं काम 2002 साली पूर्ण झाले। शिंदे वळवण आरवा मोरणी उच्चाट बागवळ लांबच निवळे अक्रिपल हे नाही जाने दे। गाइस जो भी है ये बोर्ड में सब इन्फॉर्मेशन है, आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थर्ड पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट। तो तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो। और गाइस यहाँ नज़ारा सच में, आप चाहे तो एक बार आ सकते हो, सच में बहुत मज़ा आती है बारिश के महीने में और अच्छा लगता है। और यहाँ का पहाड़ का कुछ व्यू देखो, ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे थे हमारे लास्ट पॉइंट पे, तो हमको यहाँ पे ये पहाड़ जो लैंडस्लाइड हुआ है वो मिला है। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे तो भाई सेफ्टी रखना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश में तो कभी भी पहाड़ पे से पत्थर आते हैं। तो जितना हो सके सेफ्टी के साथ आना और अपना ध्यान रख के आना। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर आते हैं नीचे, और ये बहुत रिस्की है। तो सेफ्टी का ख्याल हमेशा रखना यहाँ पे आओगे जब भी। तो ये देख सकते हो आप कितना बड़ा पत्थर है ये। अब मुझे खुद को डर लग रहा है अभी यहाँ पे, भरोसा नहीं कब क्या गिरेगा। आगे और भी मिलेगा ऐसा, आगे और दिखाता हूँ आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। बाइक पे बहुत ठंडा लग रहा है ऐसी धूप। हाँ बाइक पे हवा लग रही तो मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा। और ऐसा रुकेंगे तो वो गर्मी हो रही है। यहाँ पे बारिश में जहाँ पे नज़र घुमाओगे वहाँ पे वाटरफॉल। अभी एक भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। 4-5 दिन पहले बारिश लगी थी ना थोड़ी, एक हफ्ता पर लगी थी ना, अभी रिसेंटली बारिश लगी है यहाँ पे। यहाँ पर ग्रीनरी, इसके लिए इतनी ग्रीनरी दिख रही है, वरना सब सूखा सूखा ही दिखता था, पूरा सूख जाता है। अभी थोड़ा रिसेंटली 4-5 दिन बारिश लगी यहाँ पे, अच्छी खासी लगी, तो थोड़ा ग्रीनरी अच्छी हो गई है, मौसम अच्छा हो गया।
इसका आगे क्या है? इसके आगे गांव है, सिंधी के सिंधी। हाँ ऐसे ही कुछ गांव है इसके आगे। इसके आगे थोड़ा रिस्की है जाना, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है। तो हाँ, इसके आगे जो गांव वाले वो लोग ही जाते हैं, क्योंकि वो लोग को यहाँ की आदत हो गई है। नए लोगों को थोड़ा गांव वाले मना करते हैं यहाँ पे आगे जाने, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों का बहुत खतरा होता है। ओ भाई कुड़ा अजून काही सीन आहे का बघायला? पुढे आहे बघायला, पण सध्या कोविड बंद केले पर्यटन बंद आहे। अरे अजून किती लांब आहे इथून? थोडं अजून पुढे कोयना डॅम वगैरे आहे, पण आता सध्या काय झालं पर्यटकांना सोडत नाही। अच्छा, म्हणजे लॉकडाऊन आपला उघडल्यानंतर जाऊ शकतो ना? हा हा, लॉकडाऊन म्हणजे आता लॉकडाऊन उघडल्यानंतर ते आहे पर्वत चकदेव इथं मेहमानगड आहे बघायला, कोविडमुळे बंद केलं। ओके ओके, थैंक यू। तो आप लोग ने देखा अभी मैंने वो पीछे जो गार्ड है वहाँ पे वो लोग से पूछा कि आगे और कौन कौन से पॉइंट है, तो आगे भी और तीन चार पॉइंट्स है घूमने के लिए, डैम वगैरह है, बट अभी कोविड का सिचुएशन है इसके लिए आगे परमिशन नहीं है। जाता हूँ तो एक चीज़ आपको बताता हूँ, मधुमक्खी का छत्ता है, अब पता नहीं मोबाइल में दिखेगा नहीं दिखेगा, थोड़ा हाइट बहुत हाइट पर है वो, तो वहाँ पर है वो ऊपर दिख रहा है क्या? आदि कैमरा घुमा, तो जब हम लोग सेकेंड पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे आ रहे थे तब मैंने आपको वहाँ पे लैंडस्लाइड जो पत्थर हुए थे बड़े बड़े मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो ये पूरे रास्ते में पत्थर बिखरे हुए सब जगह, तो ये देख सकते हो आपका यहाँ से पूरा लैंडस्लाइड होता है, ये देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े पत्थर आके फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे जब भी आओगे सेफ्टी का ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। ये देख लो ये इतने बड़े बड़े पत्थर आते ऊपर से, अब भी जाके गया ऊपर। तो
ये था रघुवीर घाट, आपने देखा फर्स्ट पॉइंट भी हम लोग ने दिखाया, सेकंड भी, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट। तो अभी हम लोग जा रहे रिटर्न, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू। तो अब हम लोग जा रहे रिटर्न घर। अब ये हम जितना चढ़ाई करके आए थे, अब हम फिर से उतना उतरने वाले, और हम बगैर बाइक स्टार्ट किए जाने वाले, हमारे कम से कम 20-25 किलोमीटर तो ऐसे ही जाने वाले बगैर बाइक स्टार्ट किए हुए। तो बाय बाय रघुवीर घाट।